सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, समस्त राष्ट्रवासियों को डीआईडी परिवार की ओर से दीपों के त्योहार दीपावली, भाई बहन का त्योहार भैया दूज एवं प्रकृति के अनमोल रत्न सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और छठ मैया की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। इस वर्ष दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा का मुहूर्त 17:57 से लेकर 19:53 तक है और पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 1:55 रहेगी। दिवाली से पहले ही प्रदूषण और खराब हवा ने दिल्ली वालों का दम निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से इस दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए कहा है। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी पर बने सिग्नेचर पुल के उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे के एक दिन बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। माला स्थित भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जाने वाली 3 महिलाओं को मंगलवार को श्रद्धालुओं ने बीच में ही रोक दिया, जिससे तनाव व्याप्त हो गया। पीएम मोदी दिवाली पर उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्शन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस बार उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। कर्नाटक में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस और जनता दल गठबंधन को 4 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि भाजपा को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। सरयू के तट पर 3,00,000 से अधिक दीप जलाए गए। इसके बाद रामकथा पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा। दीपावली पर मेट्रो रात 10 बजे तक ही चलेगी। इसके अलावा त्योहार पर लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस और सिविक एजेंसियों ने कमर कस ली है। दिल्ली वासी पोल्यूशन की मार से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली में पटाखे तक पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके कारण दीपावली के अवसर पर लोग पटाखे तक नहीं चला पाएंगे। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के बगल में अवस्थित WHS कीर्ति नगर मार्बल मार्केट में बिना फैक्ट्री लाइसेंस के कटिंग और पॉलिश की मशीनें बेखौफ चल रही है और पोल्यूशन फैला रही है। इटालियन विदेशी पत्थर इटालियन पर खतरनाक रसायन द्वारा फिलिंग सड़क पर रखकर खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण के रोकथाम की दिशा में ना तो निगम द्वारा, ना ही लाइसेंसिंग विभाग द्वारा, ना ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है।